गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर का जीवन परिचय। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि दिगंबर का जीवन में क्या क्या कार्य किए, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उनके गुरु का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और कहाँ जन्म हुआ। सबसे पहले हम जन्म के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म 18 अगस्त सन 1872 ईस्वी में महाराष्ट्र के कुरुवाड़ के पास बेलगांव में हुआ। पिता का नाम दिगंबर गोपाल, माता का नाम गंगा देवी, गुरु का नाम बालकृष्ण बुआ। कार्यक्रम जो उन्होंने किए, सबसे पहले ओक के जगदम्बर मंदिर में संतारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, सैद्धांतिक पक्ष के बारे में लिखा, वाद वृंद पे भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राम नाम आश्रम खोला, राष्ट्रवाद जागृत भावना भी उनके अंदर थी। शिष्य विनायक संत पटवर्धन, ओमकारनाथ ठाकुर, वी एन देवधर, पंडित नारायण राव व्यास, पंडित वामन राव पांडे जो उनके शिष्य थे। मृत्यु कब हुई उनकी, 69 वर्ष का संगीत में जीवन व्यतीत करने के बाद 21 अगस्त 1931 को महान संत दुनिया से अलविदा हो गए। उनके पिता दिगंबर गोपाल ने उन्हें स्कूल शिक्षा दिलाना शुरू किया और जैसे परंपराओं के अनुसार उनका दिगंबर जी का विवाह 6 कक्षा में हो गया था, लेकिन दीपावली के अवसर पर पटाखे के विषैले धुएं से उनकी नेत्र ज्योति जाती रही। तभी इनके पिता ने उनका संगीत क्षेत्र चुना, तभी से वे भक्ति संगीत में पूरी तरह से लवलीन हो गए। भक्त संगीत के मधुर और सुरीले प्रदर्शन से अधिकारियों में भी उनकी और प्रतिष्ठा बढ़ गई। उनके गुरुओं से प्रभावित होकर मिर्च के राजकुमार ने उन्हें बालकृष्ण बुआ के पास संगीत सीखने के लिए 9 वर्षों तक संगीत शिक्षा के लिए भेजा। 9 वर्षों तक उन्होंने संगीत शिक्षा बालकृष्ण बुआ से ग्रहण की। उसी समय उन्होंने अनुभव किया कि संगीतज्ञों का समाज में वैसा स्थान नहीं है जैसा होना चाहिए था। उसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए, कई शहरों में जाकर उन्होंने कार्यक्रम किए और 5 मई 1901 में संगीत के प्रचार के लिए गंधर्व महाविद्यालय लोहार की स्थापना की। आर्थिक कमी को पूरा करने के लिए एक जलसा भी किया और पत्रिकाएं भी लिखी। 16 साल तक चलती रही ये चीज़। फिर सन 1908 में पंडित जी ने मुंबई में भी एक उस विद्यालय की शाखा खोली जो लोहार की तुलना से अधिक सफल हो गई। छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। 15 वर्ष तक यह संगीत विद्यालय का बहुत प्रचलित रहा। 15 वर्ष तक यह संगीत विद्यालय बहुत प्रचलित रहा। पंडित पुलस्कर जी के कार्य आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने संगीत संबंधी 50 पुस्तकें लिखी जिसमें राग प्रवेश की 20 पुस्तकें, बालबोध, राष्ट्रगीत, संगीत बाल प्रकाश, महिला संगीत, प्रेम भक्ति प्रेम लहरी आदि पुस्तकें लिखी। स्वरलिपि, कई रागों की स्वरलिपि लिखी, उसके आधार पर पुस्तकें लिखी। मासिक पत्रिका उन्होंने सन 1905 में जनसाधारण में संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए संगीतामृत प्रभा पत्रिका निकाली। उन्होंने वाद वृंद के विकास के लिए भी योगदान दिया। राम नाम आश्रम, इन्होंने नासिक में राम नाम आश्रम की स्थापना की और सारे देश में राम धुन का प्रचार किया। राष्ट्रवाद जागरूकता भावना उनमें थी और महात्मा गांधी के ये भजन गाया करते थे। कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होता था वो इन्हें राष्ट्रगीत और वंदे मातरम के लिए गाने के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता था। सन 1930 में उन्हें लकवा मार गया, फिर भी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार संगीत की सेवा करते रहे। अंत में 21 अगस्त 1931 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ओके स्टूडेंट, आपको ये पूरा जीवन परिचय बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके टॉपिक जो भी हैं, पुस्तकें, कार्य, जन्म, विवाह, कौन से साल में हुआ, कब मृत्यु हुई, पिता का नाम, माता का नाम, बहुत ध्यान से पूरे जीवन परिचय को आपको लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट।